कोरोना काल के चलते बंद पड़े स्कूलों के संचालकों का सब्र अब जवाब देने लगा है। निजी स्कूल संचालकों ने आज आंदोलन की राह पकड़ ली है। इसी के तहत शुरुआत आज ब्यावर से की गई। राजस्थान गैर सरकारी स्कूल एसोसिएशन के बैनर तले राजस्थान स्कूल बचाओ आंदोलन का आगाज किया गया, जिसके तहत ब्यावर से शुरू हुआ निजी स्कूल संचालकों का कारवा आज अजमेर पहुंचा, जहां प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष कैलाश चंद्र शर्मा के नेतृत्व में इस कारवे का स्वागत किया गया। और सरकारी स्कूल एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र अरोड़ा ने बताया कि स्कूलों को खोलने की मांग को लेकर निजी स्कूल संचालक जयपुर में मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे और मुख्यमंत्री से वार्ता कर मांग करेगी कि प्रदेश में स्कूलों को खोलने की अनुमति दी जाए, ताकि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था एक बार फिर पटरी पर लौट सके। इसे लेकर आज कलेक्ट्रेट पर सभी ने ज्ञापन भी सौंपा और जिला पदाधिकारियों ने सभी का सम्मान भी किया। पिछले 16 माह से स्कूल बंद है, अभिभावक परेशान है, बच्चे परेशान है, ग्रामीण जनता किसी भी तरह से ऑनलाइन शिक्षा से जुड़ी हुई नहीं है। जो ग्रामीण बच्चे हैं उनसे जाके पूछिए आप, उनके पास मोबाइल है क्या, उनके पास लैपटॉप है क्या, क्या ग्रामीण क्षेत्र में इंटरनेट सुविधा है। लेकिन सरकार बार बार ये जो कॉरपोरेट अभिभावक हैं उनके द्वारा गुमराह की जा रही है, बार बार जो ये करोड़पति जो अभिभावक है जिनके बच्चों के पास में दो दो लैपटॉप हैं वो घर पर पढ़ रहे हैं, वो बार बार स्कूल ऑफलाइन स्कूल खोलने का विरोध वही लोग करते हैं जो वास्तव में राजस्थान की जनता से जुड़े हुए नहीं है। राजस्थान की जनता एक गरीब जनता है और गरीब जनता के पास में ऑनलाइन शिक्षा का कोई आधार नहीं है। इसको देखते हुए सरकार को स्कूल जितना जल्दी हो सके खोलना चाहिए। सरकार को ये पता है कि जितने भी RS और IS बनते हैं ये इन सरकारी स्कूलों में से ही बनते हैं, इन गरीबों से ही बनते हैं। हम प्राइवेट स्कूल के शिक्षक इसके लिए जिम्मेदारी निभा रहे हैं और हमारे सरकारी शिक्षकों से भी अनुरोध करते हैं कि वो इसी तरह का आंदोलन करें जिससे कि ऑफलाइन क्लासेस शुरू हो सके और उनकी परफॉर्मेंस भी निकल करके सामने आए। ब्यावर से चल करके ये यात्रा जयपुर जा रही है, पैदल यात्रा जा रही है। प्रशासन को, हमारे मुख्यमंत्री को, हमारी राज्य सरकार को, हमारे शिक्षा मंत्री को, हमारे मंत्रिमंडल को ये जगाने के लिए, ये बताने के लिए जा रही है कि ग्रामीण जनता इस ऑनलाइन शिक्षा से महरूम है, गरीब जनता इस ऑनलाइन शिक्षा से महरूम है। बार बार हम यही कह रहे हैं कि आप समय पर स्कूल खोलें, ताकि इस वर्ष भी पिछले वर्ष की जैसे बच्चों को प्रमोट नहीं करना पड़े। क्या कौन सा आधार लगाएंगे अगली बार? 2 साल से स्कूल नहीं चल रहे हैं, अब पिछले 2 साल के नंबर कहां से लाएंगे? ये सारी चीज़ें हमारी शिक्षा को पीछे लेके जा रही है, इसलिए हमारा प्रशासन से अनुरोध है। कहां से शुरू हुई है और कहां तक? ब्यावर से शुरू हुई है ये यात्रा और जयपुर जाकर के रुकेगी। पहले मांगलेवास में नाइट स्टे था और रात भर हमारे कर्म जो संचालक हैं वो साथ में पैदल चले हैं और अब आज अजमेर कलेक्ट्रेट ऑफिस में हम ज्ञापन देने के लिए जा रहे हैं। धन्यवाद। जितेंद्र सिंह राजावत, संरक्षक। खबर की हो सत्यता हो या खबर की अनकहीं दास्तां, होगी सच्चाई की वापसी। SKV News, सच्चाई की वापसी।